दोस्तों, संत कबीर के गुरु के संबंध में एक अत्यंत रोचक कथा जग प्रसिद्ध है कि उन्हें एक उपयुक्त गुरु की तलाश थी और यह तलाश उस समय काशी के सबसे विद्वान संत रामानंद जी पर जाकर रुक गई। अब वह इन संत आचार्य रामानंद जी को अपना गुरु बनाना चाहते थे, पर कठिनाई यह थी फ्रेंड्स कि वे आसानी से किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाते थे। तो उन्होंने कबीर जी को भी एक बार अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था तथा कबीर जी दृढ़ निश्चयी थे और उन्होंने अपने मन से ठान लिया था कि मैं स्वामी रामानंद को ही अपना गुरु बनाऊंगा। इसके लिए कबीर जी के मन में एक विचार आया कि स्वामी रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जाते हैं, उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर आकर लेट गए। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर जी के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। हालांकि कबीर पंथ के कुछ मदानुयायी रामानंद जी के लिए मना करते हैं और कबीर जी को ही पर ब्रह्म परमात्मा कहते हैं। जो भी सत्य हो फ्रेंड्स, यह तो स्पष्ट है कि कबीर जी के लिए उनके अनुभव दुनिया को देखने की उनके दृष्टिकोण ने ही विलक्षण बनाया था। कई लोग यह भी कहते हैं फ्रेंड्स कि कबीर जी की जाति अज्ञात होने या उनके जुलाहे होने की वजह से रामानंद जी ने उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था, परंतु यह एक गलत जानकारी है। तथ्य तो यह है कि स्वामी रामानंद जी भी एक अत्यंत विशिष्ट गुरु थे और कबीर जी की प्रेरणा थे। उन्होंने केवल उनकी ज्ञान के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति को परखने के लिए कुछ समय लगाया था। स्वामी रामानंद जी ने समाज में फैले विभिन्न प्रकार के भेदभाव को मिटाने के लिए इतने प्रयास किए थे कि अब तक उनका प्रभाव चल रहा है। सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव जी को और विष्णु जी के उपासकों को एक किया और बताया कि इनमें कोई भेद नहीं है। उस समय के शासकों के द्वारा धर्मांतरण के लिए भी बहुत अत्याचार होते थे, पर अपने लोगों को एकजुट होकर इसका विरोध करना सिखाया। द्वादश महाभागवत के आचार्य के मुख्य शिष्य माने गए हैं। पद्मावती और सुरसरी दो महिलाओं ने भी उनके 12 प्रमुख शिष्यों में अपनी जगह बनाई थी, पर इनके अतिरिक्त कबीर जी, पीपा जी, दर्जी, रैदास जी, सदन कसाई, कुबा, कुम्हार, धन्ना जाट और स्वामी नारायण संप्रदाय के संपादक व गुरु स्वामी सहजानंद जी आदि परम विरागी और सामाजिक जागरण के महापुरुष स्वामी रामानंद जी के ही शिष्य हुए हैं। यह मात्र एक संयोग नहीं हो सकता है कि जितने भी प्रमुख तत्कालीन संतों ने जातिवाद और उच्च नीच के भेदभाव के विरुद्ध कार्य किया है, वो सब इनके ही शिष्य थे। दोस्तों, अनेक संत परंपराएं रामानंद जी के श्रीमठ निकली। दादू राम स्नेही, वरकारी, घीसा पंथ, कबीर पंथ, स्वामी नारायण और रैदास पंथ भक्ति काव्य परंपरा का मूल उत्स उनका श्रीमठ है। दोस्तों, स्वामी जी ने जिस रामानंदीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया, उसके अनुसार भी भगवान का द्वार बिना किसी भेदभाव के, बिना जाति योग्यता आदि का विचार किए सबके लिए खुला है। उन्होंने उद्घोष किया था, सर्वे प्रपर्तेधिकारिनो मतः, सब उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को पुकारने के समान अधिकारी हैं। इस परम सत्य को आचार्य ने व्यवहारिक रूप में स्थापित किया है। तो दोस्तों, यह थी संत कबीर के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।